to Sunny Seam's International School of Astrology. Join in and learn free astrology. Guru ki bala ketu apne sar par tabhi lega jab brahaspati pancham ghar mein manda hoga kyunki pancham ghar surya ka hai aur brahaspati ka hai aur putra ka hai yani ketu ka hai tabhi yahan par केतु बर्बाद होगा। आज कपिल जी ने लाल किताब जो प्रथम भाग 1952 है उसका पेज नंबर 45 पर इन्होंने चर्चा का विषय रखा, दुश्मनों से मारे हुए मंदा असर होने के वक्त ग्रहों की कुर्बानी के बकरे। इसमें दो मतलब हैं, यानी एक तो दुश्मनों से मारे हुए या दूसरा जब मंदा असर हो, यानी कि एक तो ग्रह जो कि बर्बाद होगा खुद ही, या हम लोगों ने उपाय से या किसी भी तरह से उसको बर्बाद किया होगा। जिस तरह से इसके अंदर कि अगर कुंडली में जो है 12वें खाने में शुक्र बैठा हो उच्च का, तो उसको हम मंदा कर ले, यानी कि उसकी आशियाँ को घर से बाहर निकाल दे और शुक्र की वस्तुओं का दान करने लग जाए। और एक दुश्मन का ग्रह का मतलब होता है कि शुक्र के 12वें घर में ही उसके साथ सूर्य बैठ जाए, तो वो दुश्मनों के द्वारा भी बर्बाद हो जाता है। या जब राहु दसवें में हो तो हमें उसमें दुश्मन ग्रह मंगल को चौथे घर में बिठाना पड़ता है उसकी तासीर लेने के लिए। लेकिन इसमें कुल मिलाकर मतलब है दुश्मनों से मारे हुए मंदा असर होने के वक्त ग्रहों की कुर्बानी की बकरी। तो ग्रहों की कुर्बानी के बकरे का मतलब होता है कि ग्रह बुरा तो जरूर होगा लेकिन वो अपना बुरा कभी नहीं होने देगा। जैसे कि आपके घर में अगर एक नौकर है तो वो नौकर चोरी करता है तो वो अपने आप को कभी भी चोर नहीं ठहराएगा, बल्कि वो घर के दूसरे नौकरों पे उसका इल्ज़ाम डाल देगा और दूसरे नौकरों को वो बर्बाद कर देगा, यानी अपने फायदे के लिए। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेल्फिश होना। इसमें लिखा हुआ है यानी असली ग्रह की अपने जगह की बजाय किसी दूसरे ग्रह की हालत ख़राब हो जाए, यानी असली ग्रह की अपनी जगह की बजाय किसी दूसरे ग्रह की हालत ख़राब हो जाए या वह अपनी जगह दूसरे ग्रह को मरवा जाए। इसमें लिखा है कि असली ग्रह की अपनी जगह की बजाय, यानी कि चंद्रमा की जो अपनी जगह है वह है चौथा घर, या किसी दूसरे ग्रह की हालत ख़राब हो जाए, या चंद्रमा के घर में किसी और ग्रह की हालत ख़राब हो जाए तो वह अपनी जगह दूसरों को मरवा देगा। जैसे कि शनि दुश्मन ग्रहों से बचाव के लिए शनि ने अपनी जान बचाने के लिए अपने पास राहु केतु दो ऐसे एजेंट बना रखे हैं जो शनि की जगह फौरन किसी दूसरे की कुर्बानी दिला देते हैं। राहु केतु जो है मस्नूई शुक्र बन जाता है। जब शनिचर का सूरज का टकराव तंग करे तो वह खुद अपनी जगह शुक्र औरत को मरवा देता है, यानी कि जब शनि का टकराव सूर्य से हो तब शुक्र का नाश होता है, ऐसा हम
पढ़ते हैं और ऐसा हम पढ़ाते भी हैं और ऐसा हम समझते हैं, लेकिन अब यहाँ पर इसका मतलब बदल जाता है कि अगर यहाँ पर सूर्य और शनि के झगड़े में शुक्र का नाश होता है तो यहाँ पर राहु और केतु भी बर्बाद होंगे, क्योंकि शुक्र राहु और केतु से मिलकर बना है, तो जो ग्रह जिससे मिलकर बनेगा वह भी बर्बाद होगा। इसीलिए खुद अपने शुक्र औरत को मरवा देता है और सूरज शनिचर के झगड़े में औरत मारी जाएगी या ऐसी कुंडली वाले की औरत पर इन दोनों ग्रहों की दुश्मनी का असर जा पहुंचेगा। यानी कि जब आपकी कुंडली में शनि खराब होगा तो आपका राहु और केतु भी खराब हो जाएगा, और ना उसमें सूरज बर्बाद होगा और ना ही शनि बर्बाद होगा, क्योंकि शनि जब सूर्य से बर्बाद होगा तो वो अपने बचाव के लिए राहु केतु को आगे करेगा, और जब राहु केतु बर्बाद होंगे तो वो अपने बचाव के लिए शुक्र को आगे कर देंगे, तब वह बाहम बाप बेटा है, क्योंकि शनि और सूर्य बाप और बेटा हैं, और बाप और बेटे की लड़ाई में घर की औरत यानी माँ शुक्र का ही नाश होता है, और बाप बेटे की लड़ाई में जर जोरू जमीन का ही पंगा होता है। मसलन सूर्य खाना नंबर 6 में हो और शनि खाना नंबर 12 में हो तो औरत पर औरत मरती जावे। तो ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि उस कुंडली में राहु और केतु भी खराब हो जाएंगे। साला चक्कर को अप्लाई करने का एक सिस्टम होता है, सिस्टम ये है कि शुरू के तो 35 साला चक्कर जैसे ग्रह का होता है वैसे ही चलेगा, जैसे 1-6 शनि, 7-12 राहु और 12-15 केतु, 16-21 बृहस्पति, फिर 21-22-23 अपना सूर्य, फिर 24-25 चंद्रमा, फिर 28-33 तक मंगल, फिर 33-34-35 बुध, फिर 36-41 शनि और 41-48 तक राहु और फिर केतु। लेकिन इसके अंदर जब दूसरा 35 साला चक्कर शुरू होगा तो मान लो अब आपके लगन में बैठा हुआ है बृहस्पति, तो दूसरा 35 साला चक्कर आपके लगन में बृहस्पति से शुरू होगा, और अगर बृहस्पति नहीं है सूर्य है तो सूर्य से शुरू होगा। जो ग्रह सीरियल वाइज आएंगे, यानी जैसे बृहस्पति के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्रमा, मंगल, ऐसे अब अगर लगन में कोई ग्रह नहीं है और दूसरे घर में मान लो आपका बैठा है मंगल, तो दूसरा 35 वाला चक्कर मंगल से शुरू होगा, यानी कि मंगल से शुरू होके फिर उसको जब आप उसकी उस उम्र पे आगे काउंट करोगे तो उस ग्रह की प्रॉपर उम्र के अंदर वो आ जाएगा। नमस्कार मित्रों, यहाँ पर बोला गया कि सूर्य से शनि का टकराव। मित्रों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि सूर्य की पत्नी थी छाया, छाया जो कि सांझ का समय होता है सूर्य अस्त के बाद, ठंडेपन का एहसास दिलाता है। तो जब सूर्य ने छाया से संभोग किया तो शनि का जन्म हुआ। तो सूर्य तेज का मालिक है और पुंज का मालिक है। जब शनि का जन्म हुआ तो छाया ने ये बोला कि यह आपका पुत्र है, तब शनि ने छाया पे इल्जाम लगाया और कहा कि मेरा इतना तेज, इतना प्रताप, इतना प्रकाश है जो तुम सहन नहीं कर सकती, तो हमारा ये पुत्र कैसे हुआ? तो सूर्य ने शनि को जो है वो बेदखल कर दिया ये कहकर कि यह मेरा बेटा नहीं है। तो शनि की वक्री दृष्टि, शनि को
तीन सात दस की दृष्टि मिली है, लेकिन शनि को एक वक्री दृष्टि अलग से मिली है जो कि अष्टम दृष्टि होती है। शनि ने जब वक्री दृष्टि से सूर्य को देखा तो सूर्य को कोण हो गया, यानी जब शनि सूर्य को देखता है तो शुक्र का नाश होता है, और जब शनि सूर्य को देखता है तो कोण होता है, यानी कैंसर दवाइयों का रिएक्शन और कोई भी गलत दवाई का देना। इसीलिए पंडित जी ने शनि जब सूर्य को देखता है तो दवाइयों का दान बोला गया है, और जब सूर्य शनि को देखता है तो गौशाला की सेवा बोली गई है। लेकिन इसमें बुध कहीं से भी कहीं तक नहीं आता, क्योंकि सूर्य को अपनी बेटी बहुत प्रिय थी, क्योंकि सूर्य की दो पत्नी थी, एक छाया और एक संध्या। लेकिन छाया जो है वो है शनि की माँ थी, और संध्या जो है वो जो उसकी पुत्री है जमुना उसकी माँ थी। बशर्ते आगे चलते हैं तो यहाँ पर शुक्र का नाश कैसे हुआ, यानी सूर्य ने यह बोला अपनी पत्नी छाया को कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता, यह नाजायज औलाद है। तो उसमें उसकी पत्नी छाया ने अपना देह का त्याग कर दिया, यानी कि शुक्र का नाश हो गया। शुक्र जो है वो पत्नी है, और जो शनि है बचपन में वो केतु है, तो वहाँ पर शनि को केतु की चाल पे चलना पड़ा, यानी उसको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी। और राहु का जो वहम है वह सूर्य और उसकी पत्नी छाया के बीच में आ गया, क्योंकि छाया उसको कोई सबूत नहीं दे सकती थी कि यही आपका पुत्र है। यहाँ पर बोला गया कि जब बृहस्पति पर बुरा असर आएगा तो उसने अपनी कुर्बानी के लिए केतु को आगे रखा। ऐसा क्यों बोला गया? कारण मित्रों, मैं आपको आज एक बात साफ और स्पष्ट शब्दों में बता देता हूँ कि लाल किताब हमारे सांसारिक और व्यवहारिक जीवन को मद्देनजर रखकर लिखी गई। पूछो कैसे? जब बृहस्पति गुरु है, बृहस्पति पिता है, पिता पर या गुरु पर जब भी कष्ट आता है तो गुरु के जो शिष्य होते हैं वो केतु होते हैं, तो शिष्य क्या बोलते हैं कि गुरुजी आप रुको, हम देखकर आते हैं। और जब वो देखने जाते हैं तो उस समय पे अच्छा और बुरा जो भी कुछ होता है वो शिष्य ही फेस करते हैं। इसीलिए गुरु की जो बला है, गुरु अपनी बला केतु पर नहीं डालता। गलत बात, केतु खुद गुरु की बला अपने सर पर लेता है। यही एक फर्क है लाल किताब के समझने और समझाने में।